मुस्कुराता चेहरा, सितार के तारों पर बिजली की तरह रक्स करती उंगलियां और मंत्रमुग्ध होते हजारों मन। पंडित रविशंकर के सितार के तारों में वो तासीर थी कि पूरे विश्व ने सितार के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। भारत के बाहर आज भी अनगिनत ऐसे लोग हैं जो भारत को पंडित रविशंकर की वजह से जानते हैं। 1930 का दशक जब अपना आधा सफर पूरा कर चुका था, तब पंडित रविशंकर के जीवन में सितार आया और बतौर गुरु महान कलाकार उस्ताद अलाउद्दीन खान आए। यहाँ से शुरू हुआ सितार का सफर जल्द ही अपने रास्ते बनाने लगा। 1969 में वुडस्टॉक फेस्टिवल में धूम मचाने के बाद पंडित रविशंकर ने वहाँ कार्यक्रम करने से मना कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके कार्यक्रम के दौरान वहाँ बैठे दर्शकों में ड्रग्स के दौर चल रहे हैं और इस बात से नाराज पंडित रविशंकर ने कहा कि संगीत हमारा धर्म है, ईश्वर तक सबसे तेजी से पहुंचने का जरिया, और इतनी पवित्र चीज के साथ ड्रग्स जुड़े ये मुझे मंजूर नहीं। पंडित रविशंकर की शख्सियत से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताते हैं जो उनके सास से जुड़ा हुआ है। पंडित जी दुनिया भर में जहां कहीं भी जाते, उनके लिए जहाज में दो सीटें बुक होती, दोनों सीटें बिल्कुल अगल बगल, एक पर पंडित रविशंकर बैठते और दूसरी पर सुर शंकर। जी हाँ, ये सुर शंकर दरअसल उनका सितार था। पंडित रविशंकर के इस प्रेमी स्वभाव को लेकर एक बड़ा ही शानदार किस्सा है। 1990 की बात है, पंडित जी के 70वें जन्मदिन का मौका था। दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया और तय हुआ कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान पंडित रविशंकर को सम्मानित करेंगे। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पंडित रविशंकर से उम्र में कुछ 6-7 साल बड़े थे। वो शहनाई से पूरी दुनिया में डंका बजा चुके थे, दोनों बनारसी थे, तो उन्हें हक था कि वो पंडित रविशंकर से कुछ भी बोल सकते थे। तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने मौके पर चौका मारा। पंडित रविशंकर के सम्मान के बाद वो बोले कि पंडित रविशंकर ने संगीत की बहुत सेवा की है, मेरी दुआ है कि मेरी बची हुई उम्र भी उन्हें लग जाए। ये बात सुनकर हॉल में तालियां गूंजने लगी। खान साहब चुप हो गए। जब तालियों का दौर थमा तो फिर बोले, लेकिन मेरी बची हुई उम्र अब शादी करने लायक तो रही नहीं। ये सुनकर लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। ये सुनने के बाद पंडित रविशंकर अपनी जगह से उठकर आए और अपने बड़े भाई सरीखे उस्ताद बिस्मिल्ला खां के हाथों को चूम लिया। पंडित रविशंकर को संगीत में अपने योगदान के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े सम्मानों के अलावा भारत में पद्मभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 दिसंबर 2012 को करीब 92 वर्ष की उम्र में पंडित रविशंकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुस्कुराता चेहरा, सितार के तारों पर बिजली की तरह रक्स करती उंगलियां और मंत्रमुग्ध होते हजारों मन। पंडित रविशंकर के सितार के तारों में वो तासीर थी कि पूरे विश्व ने सितार के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। भारत के बाहर आज भी अनगिनत ऐसे लोग हैं जो भारत को पंडित रविशंकर की वजह से जानते हैं। 1930 का दशक जब अपना आधा सफर पूरा कर चुका था, तब पंडित रविशंकर के जीवन में सितार आया और बतौर गुरु महान कलाकार उस्ताद अलाउद्दीन खान आए। यहाँ से शुरू हुआ सितार का सफर जल्द ही अपने रास्ते बनाने लगा। 1969 में वुडस्टॉक फेस्टिवल में धूम मचाने के बाद पंडित रविशंकर ने वहाँ कार्यक्रम करने से मना कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके कार्यक्रम के दौरान वहाँ बैठे दर्शकों में ड्रग्स के दौर चल रहे हैं और इस बात से नाराज पंडित रविशंकर ने कहा कि संगीत हमारा धर्म है, ईश्वर तक सबसे तेजी से पहुंचने का जरिया, और इतनी पवित्र चीज के साथ ड्रग्स जुड़े ये मुझे मंजूर नहीं। पंडित रविशंकर की शख्सियत से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताते हैं जो उनके सास से जुड़ा हुआ है। पंडित जी दुनिया भर में जहां कहीं भी जाते, उनके लिए जहाज में दो सीटें बुक होती, दोनों सीटें बिल्कुल अगल बगल, एक पर पंडित रविशंकर बैठते और दूसरी पर सुर शंकर। जी हाँ, ये सुर शंकर दरअसल उनका सितार था। पंडित रविशंकर के इस प्रेमी स्वभाव को लेकर एक बड़ा ही शानदार किस्सा है। 1990 की बात है, पंडित जी के 70वें जन्मदिन का मौका था। दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया और तय हुआ कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान पंडित रविशंकर को सम्मानित करेंगे।
उस्ताद बिस्मिल्ला खान पंडित रविशंकर से उम्र में कुछ 6-7 साल बड़े थे। वो शहनाई से पूरी दुनिया में डंका बजा चुके थे। दोनों बनारसी थे तो उन्हें हक था कि वो पंडित रविशंकर से कुछ भी बोल सकते थे। तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने मौके पर चौका मारा। पंडित रविशंकर के सम्मान के बाद वो बोले कि पंडित रविशंकर ने संगीत की बहुत सेवा की है, मेरी दुआ है कि मेरी बची हुई उम्र भी उन्हें लग जाए। ये बात सुनकर हॉल में तालियां गूंजने लगी। खान साहब चुप हो गए। जब तालियों का दौर थमा तो फिर बोले, लेकिन मेरी बची हुई उम्र अब शादी करने लायक तो रही नहीं। ये सुनकर लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। ये सुनने के बाद पंडित रविशंकर अपनी जगह से उठकर आए और अपने बड़े भाई सरीखे उस्ताद बिस्मिल्ला खां के हाथों को चूम लिया। पंडित रविशंकर को संगीत में अपने योगदान के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े सम्मानों के अलावा भारत में पद्मभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 दिसंबर 2012 को करीब 92 वर्ष की उम्र में पंडित रविशंकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।